नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कल मैंने YouTube पे एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि 2018 वाली भर्ती में IT की ऐसी कौन कौन सी ट्रेड है जिनकी कट ऑफ बहुत कम गई थी और कई सारे जोन ऐसे थे उनमें से काफ़ी सारी ट्रेड ऐसी थी जिनके रेलवे को कैंडिडेट ही नहीं मिले थे। तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर करके अपनी ट्रेड लिखी और पूछा कि सर मेरी ये ट्रेड है, इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, सर इस ट्रेड की कट ऑफ के बारे में बताइए। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि अलग अलग ट्रेड के लिए देखेंगे टेक्नीशियन की कट ऑफ वो कैटेगरी वाइज कितनी कितनी गई थी, है ना। देखिए भाई, सबसे जो कम कट ऑफ रहती है ALP और टेक्नीशियन दोनों में से, उनमें टेक्नीशियन की कट ऑफ वो कम रहती है। टेक्नीशियन की कट ऑफ इसलिए कम रहती है क्योंकि इसमें 10+2 वाले बच्चे जो आवेदन करते हैं ना, उनके लिए अलग से सीटें होती है और टेक्नीशियन की ज़्यादातर जो सीटें होती है वो IT वाले बच्चों के लिए होती है। मान के चलिए लगभग 90% सीटें होती है वो केवल IT वाले बच्चों से ही भरी जाती है, ना तो BBTEC वाले आवेदन करते हैं उनमें, ना ही डिप्लोमा वाले आवेदन करते हैं, ना ही 10+2 वाले बच्चे आवेदन करते हैं। और वैकेंसी भी ALP की तुलना में टेक्नीशियन की वैकेंसी ज्यादा आती है, तो IT वाले बच्चों के जॉब मिलने के चांस है वो टेक्नीशियन की वैकेंसी में ज्यादा होती है। तो मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहां पे अपन देखेंगे अलग अलग जोन के लिए IT की कौन कौन सी ट्रेड की कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कट ऑफ गई है। तो उन सब चीजों को जानने के बाद में आपको एक अनुमान लग जाएगा 2018 में आपकी ट्रेड के अंदर कितना कंपटीशन था। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, IT डिप्लोमा और BBTEC उत्तीर्ण जो भी बच्चा है चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की जॉब अपडेट के बारे में और करियर गाइडेंस के बारे में वीडियो मिलते रहे। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां पर सभी प्रकार के नोटिफिकेशन वगैरह अच्छी अच्छी अपडेट समय समय पर शेयर करता रहता हूं, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं लैपटॉप की स्क्रीन पे, यहां पे अपन देखेंगे अलग अलग जोन के लिए अलग अलग ट्रेड की कितनी कट ऑफ रही। वेटिंग वाले बच्चे नहीं, पहली लिस्ट वाले बच्चे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले MMV ट्रेड है, तो यहां पे अंडर जीरो कैटेगरी के लिए 66 कट ऑफ गई है। ये जो लिस्ट है वो सिकंदराबाद जोन की है। उसके बाद पेंटर के लिए देखोगे, पेंटर की यहां पे 52 अंडर जीरो कैटेगरी की कट ऑफ है। OBC में पेंटर का बच्चा वो 31 पे ही सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद पाइप फिटर के लिए देख लीजिए, आपकी जो कट ऑफ है वो 45 है, 64 इस प्रकार से रही है। RSC की आप कट ऑफ देखोगे तो यहां पे इस जोन के लिए 60 नंबर से अबो RSC की कट ऑफ गई है। उसके बाद सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, ये चार ऐसी पोस्ट है जिनमें 10+2 वाले बच्चों ने भी आवेदन किया, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ है वो काफी ज्यादा यहाँ पे गई है। ट्रैक मशीन के लिए देखोगे तो 67 गई, इसमें भी IT के कई सारे ट्रेड वाले बच्चे आवेदन करते हैं। ट्रिमर में अंडर जीरो कैटेगरी में मात्र 41 पे बच्चा सिलेक्ट हो गया है। वेल्डर ट्रेड में अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो कट ऑफ है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ज्यादा कट ऑफ गई है इसका मतलब यह है कि यहाँ पे वैकेंसी काफी कम थी, 1, 2, 3, 4 वैकेंसी थी, तो उसकी कट ऑफ वो थोड़ी सी ज्यादा गई है। अदरवाइज वेल्डर में 45 पर भी अंडर जीरो कैटेगरी में बच्चे सेलेक्ट हुए, 37, 34 इस प्रकार से SC के बच्चे वो भी सेलेक्ट हुए, OBC का 53 के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट हुआ। उसके बाद में कारपेंटर ट्रेड के लिए देख लीजिए 67 गई है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल डीजल इलेक्ट्रिकल में 75 गई है। उसके बाद में डीजल मैकेनिकल की आप देखोगे तो यहाँ पर भी 70 से अबव गई है। उसके बाद में ड्रिलर की आप देखोगे 68 गई है। अब देखिए इलेक्ट्रिशियन वाले जो बच्चे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आप देखोगे तो सिकंदराबाद जोन में कहीं पर भी जो कट ऑफ वो 60 से कम नहीं गई है, 60 से अबव ही कट ऑफ गई है, ठीक है। उसके बाद फिटर के लिए यहाँ पे अलग अलग चार जो यहाँ पे इनके डिपार्टमेंट है इनमें आप कट ऑफ देखोगे तो इलेक्ट्रिशियन की तरह फिटर की भी कट ऑफ यहाँ पे हाई गई है। उसके बाद ग्राइंडर की कट ऑफ वो कम ही गई है, 59 पे अंडर जीरो कैटेगरी में बच्चे का सिलेक्शन है। और उसके बाद 45 है, 35 है इस प्रकार से शेड्यूल कास्ट है बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 43 में अपना जो OBC है इसका भी बच्चा सिलेक्ट हुआ है। मशीनिस्ट ट्रेड है, यहाँ पे अंडर जीरो कैटेगरी कोई वैकेंसी नहीं थी, लेकिन ST में 39 नंबर से यहाँ पे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। इसी हिसाब से मशीनिस्ट ट्रेड है तो 71 है, 60 नंबर है यहाँ से बच्चे का सिलेक्शन है। मेसन में आप देखोगे तो यहाँ पे ST की सीट थी तो 38 नंबर पे भी यहाँ पे बच्चे का सिलेक्शन है। मेल राइट में आप देखोगे तो 58 पे अंडर जीरो कैटेगरी में और 44 में OBC से बच्चा सिलेक्ट हुआ है। सिकंदराबाद जोन में असिस्टेंट लोको पायलट की 73 गई है। और उसके बाद देखिए असिस्टेंट लोको पायलट की दो पोस्ट हैं, एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की और एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, तो 73 और 74 यहाँ पे कट ऑफ गई है। उसके बाद में RRB पटना पे आपको लेके चलता हूँ, जो कि काफी डेंजर जोन माना जाता है, जिसकी कट ऑफ अक्सर बोली जाती है कि यहाँ पे हाई रहती है। तो असिस्टेंट लोको पायलट की आप देखोगे तो 64 और 74 यहाँ पे कट ऑफ रही है। उसके बाद देखिए क्रेन ड्राइवर है, इसकी 46 OBC कैटेगरी से बच्चे सिलेक्ट हुए। इलेक्ट्रिकल अपन डीजल इलेक्ट्रिकल और डीजल मैकेनिकल की देखें तो 75 और 68 यहाँ पे कट ऑफ गई है। उसके बाद में अपन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल की जो अलग अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पे कट ऑफ है इलेक्ट्रिकल की आप देख सकते हो काफ़ी हाई गई है, 64 है, 68 है, 80 है, इस हिसाब से कट ऑफ गई है।
उसके बाद में फिटर के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिशियन की बजाय फिटर की कट ऑफ है वो काफी कम गई है। ग्राइंडर ट्रेड की 50 नंबर पे अंदर जो कैटेगरी का बच्चा सेलेक्ट हुआ है, मशीनिस्ट ट्रेड की वो भी 56 है 68 इसी हिसाब से गई है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की देखोगे तो मेरिट हर एक जोन के अंदर हाई गई है क्योंकि 10+2 वाले बच्चों ने भी आवेदन किया है। वेल्डर ट्रेड में आप देख लीजिए 44 नंबर है, 41 नंबर है, 48 नंबर पे भी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। उसके बाद में स्टैंड बाई है, स्टैंड बाई का मतलब है कि वेटिंग वाले बच्चे। उसके बाद में अपन देखें आरआरबी जम्मू, जिसमें बोला जाता है कि जम्मू में फॉर्म कम भरे गए हो तो वहाँ पर भी अपन देख लेते हैं किस हिसाब से कट ऑफ गई है। एमएमबी ट्रेड वाले बच्चे मात्र 50 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। प्लम्बर में देखिए 42 अंदर जो कैटेगरी कट ऑफ गई है। प्लम्बर में ओबीसी कैटेगरी 42 पे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद प्लम्बर में 40 नंबर पे अंदर जो कैटेगरी में बच्चा सिलेक्ट हुआ है। आरएसी ट्रेड के लिए आप देख लीजिए 52 है, 81 इस हिसाब से कट ऑफ गई है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की यहाँ पर भी 80 से अबव कट ऑफ गई है। वेल्डर ट्रेड के लिए जम्मू में आप देखोगे तो यहाँ पे 59 अंदर जीरो कैटेगरी की है, उसके बाद अदर कैटेगरी कट ऑफ वो भी यहाँ पर भी कम गई है, ठीक है। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, आप देख लीजिए आपकी ट्रेड है उसकी कट ऑफ किस जोन के लिए कितनी कितनी गई है, ठीक है। डीजल इलेक्ट्रिकल की 54 है, उसके बाद डीजल मैकेनिकल की जो कट ऑफ 66 गई है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है यहाँ पर आप देखोगे तो जम्मू में 50 के आसपास में भी बच्चों का अंदर जीरो कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद एससी एसटी ओबीसी जम्मू में कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं गई है, इलेक्ट्रिकल की थोड़ी कम ही गई है 40 नंबर के आसपास में। ओबीसी का अबो 50 पर भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में फिटर ट्रेड की कट ऑफ है, इलेक्ट्रिशियन से यहाँ पर भी कम गई है। मशीनिस्ट की 60 नंबर 52 नंबर इस हिसाब से गई है, ठीक है। असिस्टेंट लोको पायलट 67 पे यहाँ पे सिलेक्ट हुए। मेसन ट्रेड वाले जो बच्चे हैं 80 में 34 पर भी सिलेक्शन हुआ है। अंदर जीरो कैटेगरी में कोई सीट नहीं है। उसके बाद देखिए चेन्नई जोन की अपन कट ऑफ है उसके बारे में जान लेते हैं। एमएमबी ट्रेड है 46 मात्र कट ऑफ गई है। जहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है इसका मतलब है कि कम बच्चों ने आवेदन किया है या फिर वहां पे वैकेंसी ज्यादा है। पेंटर ट्रेड के लिए 71 गई है तो हो सकता है यहां पे वैकेंसी कम हो, ठीक है। उसके बाद में आप देख लीजिए प्लम्बर है तो 80 में 34 पे सिलेक्शन हुआ है। आरएसी के अंदर आप देख लीजिए 50 के आसपास में 63 के आसपास में सिलेक्शन हुआ है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की कट ऑफ यहां पर भी हाई गई है। उसके बाद ट्रंदर ट्रेड है उसकी आप यहां पर देख लीजिए 55 नंबर 50 नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वेल्डर के लिए आप देख लीजिए यहां पर इस जोन में काफी कम गई है, 40 नंबर के आसपास में अंदर जो कैटेगरी से बच्चे इस जोन में सेलेक्ट हो गए हैं। कारपेंटर ट्रेड की भी 50 नंबर पे यहाँ पे बच्चे सेलेक्ट हुए। उसके बाद में खास बात इलेक्ट्रिकल वाली अपन देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट में इस जोन में आईटी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए वैकेंसी थी तो अंदर जो कैटेगरी में यहाँ पे आप देखोगे 47, 48, 50 के आसपास में भी सिलेक्शन हुए हैं इस जोन के अंदर। ओबीसी में आप देखोगे तो 48 के आसपास में भी यहाँ पे सिलेक्शन हुए हैं। फिटर ट्रेड के लिए भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी थी जिसकी वजह से 42 अंदर कैटेगरी में 45 अंदर जो कैटेगरी में बच्चे यहां पे सेलेक्ट हुए हैं। और बाकी जो शेड्यूल कास्ट है उसमें आप देखोगे तो 33, 32 पर भी इस जोन में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो इस जोन की आईटी वाले बच्चों के लिए देखें तो कट ऑफ वो अदर जोन की तुलना में जो अपन ने पहले देखी है उनकी तुलना में कम गई है। मशीनिस्ट ट्रेड के लिए आप देख लीजिए 42, 40 के आसपास में कट ऑफ गई है तो कट ऑफ आईटी वाले बच्चों के लिए इस जोन की जो कट ऑफ है वो कम गई है। असिस्टेंट लोको पायलट की 70 से अब हो गई है। उसके बाद में अगली जो पीडीएफ है वो चंडीगढ़ जोन की है तो चंडीगढ़ जोन के अंदर आप देख लीजिए जो एमएमबी ट्रेड है 50 के आसपास में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में पेंटर ट्रेड है 48 के आसपास में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वेल्डर ट्रेड के लिए आप यहां पे देखोगे तो 40 है, 55 है इस हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कारपेंटर में 43, 61 इस हिसाब से। डीजल इलेक्ट्रिकल में 58 है, क्रेन ड्राइवर में 54 के आसपास में बच्चों का सिलेक्शन यहां पर हुआ है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी थी तो 50 के आसपास में 50 के अबो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ रही है। फिटर ट्रेड के लिए आप देखोगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिशियन की तुलना में कट ऑफ वो कम गई है, 44 है, 45 है, 48 पे यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन देखने को मिला है। लोको पायलट के लिए 73 यहाँ पे कट ऑफ गई है। अगला जो जोन है दोस्तों वो है अपना भोपाल जोन है तो भोपाल जोन में आप कट ऑफ देख लीजिए एमएमबी ट्रेड के लिए 68 गई है। उसके बाद में सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है इसकी तो 87, 88, 89 इस हिसाब से ही गई है। ट्रैक मशीन में 65 गई है। उसके बाद में ब्रिज के अंदर 60 के आसपास में कट ऑफ गई है। वेल्डर ट्रेड के लिए यहाँ पे इस जोन के अंदर कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई है, 45, 46 इस हिसाब से 50 के आसपास में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कारपेंटर में देखिए यहाँ पे 54 है यानी कि 59 है, 50 के आसपास में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी थी फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की जो कट ऑफ है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चों की
उनकी कट ऑफ वो हाई गई है, 60 से ज़्यादा ही कट ऑफ गई है, 65-68 इस हिसाब से कट ऑफ गई है। फिटर ट्रेड के लिए बात करें तो फिटर ट्रेड की कट ऑफ है वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए इस जोन में भी कम गई है, असिस्टेंट लोको बार्ड की 76-75 के आसपास में हुई है, मशीनिस्ट वाले बच्चे 44-48 है, 70 पे सिलेक्शन है, मेल राइट वाले 48 पे सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद में देख लीजिए, अपन देख लेते हैं अहमदाबाद जोन की कट ऑफ पे अपन आ जाते हैं, तो अम्बम भी ट्रेड है 42 के आसपास में कम यहाँ पे कट ऑफ गई है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की 42 यहाँ पे कट ऑफ गई है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की 80 के आसपास में गई है, वेल्डर ट्रेड के बारे में अपन जाने तो 53-59 यहाँ पे कट ऑफ गई है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कट ऑफ कम गई है, 45-42-46-47 के आसपास में बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, फिटर ट्रेड वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिशियन से यहाँ पर भी कट ऑफ कम गई है, 43-45 यहाँ पे कट ऑफ गई है, मशीनिस्ट ट्रेड की 44-52 के आसपास में यहाँ पे कट ऑफ गई है, असिस्टेंट लोको पायलट की 69 पे यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में अजमेर जोन है जिसको डेंजर जोन माना जाता है, राजस्थान के अंदर इसका ज़्यादातर जो जोन आता है अजमेर जोन है, राजस्थान के अंतर्गत आता है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कंपटीशन हाई है, तो यहाँ पे कट ऑफ अपन देखें तो MMB ट्रेड है 59 पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद में प्लम्बर में 43 है, प्लम्बर फिटर के अंदर 43 पे यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ पे 90 से भी पार हो गई है कट ऑफ, उसके बाद में ट्रिमर की 43 पे यहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ है, वेल्डर ट्रेड में आप देखोगे तो 60 के आसपास में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वेल्डर वर्कशॉप में 40 के आसपास में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कारपेंटर ट्रेड के लिए देख लीजिए 57 पर भी यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद में डीजल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के अपन देखें तो यहाँ पर भी 70 के आसपास में कट ऑफ पहुँच गई है। इलेक्ट्रिकल के कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी 63-65-70-70 से अबव यहाँ पे कट ऑफ गई है इलेक्ट्रिकल में कई डिपार्टमेंट में, लेकिन खास बात यह कि यहां पर भी 60 से कम इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों का अजमेर जोन में सिलेक्शन अंडरद्रो कैटेगरी में नहीं हुआ है। उसके बाद फिटर ट्रेड के बारे में बात करें तो फिटर की कट ऑफ वो ठीक ठाक गई है, इलेक्ट्रिशियन की कट ऑफ से थोड़ी सी यहां पर भी कम गई है, मेसन में 42 पर भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मशीनिस्ट की कट ऑफ है वो भी यहां पर हाई गई है, हो सकता है यहां पर इनकी वैकेंसी कम हो, असिस्टेंट लोको पायलट अजमेर जोन में 79-77 यहां पर कट ऑफ गई है पहली लिस्ट में। उसके बाद में RRB गुवाहाटी है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 80 से अबव गई है गुवाहाटी, ऐसा माना जाता है कि इसमें कट ऑफ कम जाती है, तो देख लीजिए यहाँ पे कट ऑफ कितनी गई है। वेल्डर ट्रेड के लिए अपन देखें तो यहाँ पे 40 के आसपास में वेल्डर वालों का सिलेक्शन हो गया, तो कट ऑफ यहाँ पे वेल्डर की कम गई है। डीजल इलेक्ट्रिकल और डीजल मैकेनिकल की देखें तो 56-59 यहाँ पे कट ऑफ गई है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के बारे में अपन जाने तो यहाँ पे ज़्यादा हाई नहीं गया, 56 के आसपास में 57 में 60 नंबर में बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। फिटर ट्रेड के लिए अपन देखें तो यहाँ पे फिटर की कट ऑफ है वो इलेक्ट्रिशियन से काफ़ी कम है, 41-45 पे बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, मशीनिस्ट ट्रेड है 55 पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, मेसन का 43 पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, मेल राइट में 40 के आसपास में 43-44 में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, असिस्टेंट लोको पायलट की यहाँ पे अदर जोन की तुलना में कट ऑफ कम गई है, 67 पे भी यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। RRB बिलासपुर के बारे में अपन अब जाने तो देखिए फिटर ट्रेड है, प्लम्बर जो ट्रेड है उसके बारे में जाने तो यहाँ पे 60 के आसपास में कट ऑफ गई है, RSC की कट ऑफ ज़्यादा गई है, हो सकता है वैकेंसी कम हो, 85 गई है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 90 के आसपास में यहाँ पे कट ऑफ पहुँच गई है। वेल्डर ट्रेड के लिए देखें तो यहाँ पे 50 के आसपास में 55-59 नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। डीजल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बारे में जाने तो कट ऑफ हाई गई है, 70 के आसपास में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इलेक्ट्रिकल के लिए काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी थी, फिर भी यहाँ पे 60 से कम वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, 64-65 इस हिसाब से कट ऑफ गई है। फिटर ट्रेड के लिए आप यहाँ पर भी देख सकते हो इलेक्ट्रिशियन की तुलना में कम गई है, 60 के आसपास में बच्चों का सिलेक्शन है, मशीनिस्ट ट्रेड का 62 है, 66 के आसपास में सिलेक्शन हुआ है, लोको पायलट की कट ऑफ यहां पर भी 70 से अबव गई है। उसके बाद में अपन देखें RRB भुवनेश्वर के बारे में, तो RRB भुवनेश्वर में लोको पायलट की जो कट ऑफ है वो 72-68, लोको पायलट की कट ऑफ अपन देखें तो लगभग सभी जोन में 70 से अबव गई है, मान के चलिए 70 के आसपास में बच्चों का सिलेक्शन है, उससे कम बहुत कम जोन है जिसमें लोको पायलट बच्चे बने हैं पहली लिस्ट के अंदर, हालांकि बाद में जो कट ऑफ है वो डाउन भी होती है वेटिंग लिस्ट
हमारे जब बच्चे आते हैं उस टाइम। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए अपन देखें तो यहाँ पे 70 से अबव ही कट ऑफ गई है, ठीक है, अबव कट ऑफ गई है 70 से। फिटर ट्रेड के लिए भी 64-65 की है, मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 75-67 यहाँ पे गई है, आरएससी के 74 यहाँ पे कट ऑफ गई है, सिग्नल की 90 यहाँ पे कट ऑफ गई है, वेल्डर ट्रेड के लिए कम कट ऑफ गई है, 44 नंबर 45 नंबर पर भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत सारे जो जोन है उनके मैंने आपको पीडीएफ दिखा दिए, अब बाकी अदर जो जोन बचे हुए हैं उम्मीद है कि आपको वो चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया लग गया होगा भी कट ऑफ है वो कौन सी ट्रेड की हाई रहती है और कौन सी ट्रेड की कम रहती है। ऑल ओवर अपन देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की कट ऑफ है वो ज्यादा रहती है, फिटर ट्रेड की उससे कम रहती है, बाकी जो छोटी ट्रेड है उनकी कट ऑफ है वो बहुत कम रहती है, वेल्डर ट्रेड ऐसी है जिसमें बच्चे ठीक ठाक होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, फिर भी रेलवे के अंदर वेल्डर ट्रेड की कट ऑफ है वो कम जाती है, ठीक है। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी तो उसको जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।